ये जो हर तरफ खुशियाँ आप देख रहे हैं ना, 15 साल पहले यहाँ हर तरफ मौत के खौफ के डेरे थे। कैसा माहौल था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। हर तरफ गोलियों की थरथराहट और मौत का रक्स था। कैसा माहौल था जिसे बचना नामुमकिन सा हो गया था। जल्दी करो जरिया। आप आ रहा हूँ बाबा। क्या हो गया? बाबा किस चीज की जल्दी है? तुम्हें पता तो है किस चीज की जल्दी है। ये लो, ध्यान से जाना, ठीक है? जाओ। जी मेरे बच्चे, उनको पता चल गया है। बाबा बाबा वो अपने नहीं छोड़ेंगे। फिक्र ना करो मेरे बच्चे, अल्लाह खैर करेगा। चौकी जाके चुप जाओ। नहीं बाबा। जाओ जाओ जाओ, चौकी जाके चुप जाओ। ये किससे मिलना है आपने? खैरियत? बुलाया गया है तुझे। किसने बुलाया? क्यों बुलाया? बली खान ने बुलाया है, कल मरकज पर आ जाना, देर नहीं होनी चाहिए, वरना जानते हो ना कि बली खान तुम्हें जहन्नम पार्सल कर देगा। बड़ा ऊंचा उड़ रहे हो इज्जत खान। वीर साहब, बेटे को काफरों की तालीम दिलवा रहे हो, स्कूल बेचकर ताकि ये भी पढ़ लिख कर काफरों की तरह बन जाए और कयामत के दिन काफरों के साथ खड़ा हो। तालीम हासिल कर, कोई बुरी चीज नहीं है मीर साहब। हमें जिहाद के लिए इमदाद चाहिए,
अब मर्जी तुम्हारी है, तुम किस तरह हमारी मदद करना चाहते हो। 2 लाख रुपए दे दो या अपना बेटा। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। तुम्हें पता है कि वली खान मौत का दूसरा नाम है और मौत किसी के लिए रुकती नहीं। जरियाब, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया है, खैरियत तो है? बाबा, मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो जरियाब? जरा इधर बैठो। ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे बेटे? बाबा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। माँ को तो मैं खो चुका हूँ, आपको नहीं खोना चाहता। जरियाब बेटा, जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, डर जाओ या मर जाओ या हालात से लड़ जाओ। जरियाब बेटा, वली खान ने 2 शर्तें रखी हैं, 2 लाख रुपए या तुम, लेकिन मैं ये दोनों नहीं दे सकता। जरियाब, मेरे बाद भी दुनिया चलेगी, मैं रहूं या ना रहूं, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारनी, अपनी तालीम को जारी रखना है, मेरे ख्वाब को पूरा करना है, मेरे बाद अपने मामू सुनगुल के पास चले जाना। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बोलो, करोगे? जो मैं कह रहा हूं करोगे बेटा? बोलो जरियाब। ये लो मेरे बच्चे, और यहाँ से भाग जाओ। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बच्चे, तुझे मेरी कसम है, यहाँ से भाग जाओ। नहीं बाबा। बच्चे, यहाँ से भाग जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ जाओ। नहीं। जाओ पीछे वाले रास्ते से जाओ। नहीं बाबा, मैंने नहीं जाना। मैं आपसे कह रहा हूँ जाओ, जाओ पीछे वाले रास्ते से, चले जाओ। तो क्या सोचा है तुमने इज्जत खान? मैं गरीब इंसान हूँ, छोटा सा रोजगार है मेरा, मुश्किल से गुजारा होता है, मुझ गरीब के पास 2 लाख रुपए कहाँ? ठीक है, तो अपना बेटा दे दो हमें। ये जुल्म है वली खान, तुम तो हमारे अपने आदमी हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका सीट के बाहर निकालो, अमीर साहब, ताकि बाकी लोग भी इसके अंजाम से इबरत हासिल कर सके। अमीर साहब, इस्लाम ने कब कहा तालीम हासिल करना हराम है? किस इस्लामी किताब में लिखा है कि अपने इस्लामी मुल्क और उसकी फौज के खिलाफ लड़ना जायज है? मैं कभी भी अपने बेटे को इस मुल्क और उसकी फौज के खिलाफ लड़ने नहीं दूंगा। तुम्हें मारना है तो मारो वली खान, लेकिन अंजाम तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा।
दरियाब, दरियाब, क्या हुआ बेटा तुम्हें? दरियाब, दरियाब, बेटा तुम्हें क्या हुआ? मरियम ही बरूड़ा, दरियाब, आंखें खोलो बेटा, दरियाब, क्या हुआ तुम्हें? दरियाब, बेटा आंखें खोलो, मरियम ही बरूड़ा, जरकवा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? जरका, मामा, मामा, क्या हुआ था बेटा? मैं कभी मुफ्ती हुआ मर्दी। शुक्र कर देता कोरो। तुमने ठीक किया मेरे बच्चे कि तुम यहाँ चले आए। आज से ये घर तुम्हारा है और तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। जमाना आ जाओ, ये छाए इन बंदों को दे दो। ये लो चाय। ये इज्जत खान का बेटा नहीं? हाँ वही है यार, जो अपने बाप को मरता हुआ छोड़कर भाग गया था। ख्वाजा, जान तो फिर बाप से ज्यादा अजीज होती है ना। कौन है भाई, क्या कर रहे हैं आप? अपने बाप से मेरे बारे में पूछ लेना, तुम लोगों को पता चल जाएगा कौन हूं मैं। आइंदा नजर ना आना और निकलो यहां से। मामा, मैं बाबा को छोड़कर नहीं भागा, बल्कि बाबा के हुक्म पर निकला था। तुम लोगों की बातों की परवाह ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मामा, मैंने स्कूल पढ़ना है, आपको कोई इतराज तो नहीं है? मुझे क्यों इतराज होगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में बेटा दिया है, तुम जो कहोगे वैसा करेंगे। मैं हर जगह आपका बेटा बन के दिखाऊंगा।
और यह कि मैं किसी भी फौज की अदायगी या तरबियत पर नामजदगी से इनकार न करने का इनकार करता हूं। सर हमारी टीम ब्रीफिंग के लिए तैयार है। ओके चलो। कुछ दहशतगर्दों ने एक फॉरनर को यहाँ पर यरगमाल बनाया हुआ है जनरल एरिया में। प्लान ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। नेगोशिएशन जो है हमारी वो दहशतगर्दों के साथ जारी है, लेकिन अगर इन केस नेगोशिएशन फेल होती है तो आपको हॉस्टेज रेस्क्यू वाला ऑपरेशन जो है करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस फॉरनर को इस जनरल एरिया से दहशतगर्दों के चुंगल से जिंदा सलामत हर हाल में बाहर निकालना है। दरियाब। यस सर। यू आर एक्शन पार्टी कमांडर नंबर वन और तुम्हारे जिम्मे फॉरनर को सही सलामत बाहर लेके आना और कैश एरिया तक पहुंचाना है। नो इश्यू सर। दस मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। जो लिस्ट दी है उन लोगों को छोड़ना होगा, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। दरियाब, नेगोशिएशंस फेल हो चुकी हैं, इसलिए कैरी ऑन विद ऑपरेशन कोबरा। राजा सर। फिर मान लो। स्टैंड बाय गो। स्ट्रीट क्लियर गो। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ पोजीशन पे है। मैं बाहर जाता हूँ, मेरे इशारे का इंतजार करो। अगर मैं इशारा कर दूं तो इसे गोली मार देना। हाय जॉन। यस आई एम इंस्पेक्टर दरियाब मसूद। मुझे बाबा की यह बात हमेशा याद रहेगी कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, डर जो या मर जो या फिर हालात से लड़ जो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे आपकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है, चलो मेरे साथ। चलो